हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 29 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द होस्ट कंट्री फॉर 2022 सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडोनेशिया। सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वी शोरेट्स। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। सेकंड भी करेक्ट है ये, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है इसमें, इसके अलावा इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 और 2। थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जलदूत ऐप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंडर है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में ये काम करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 और 2। फोर्थ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तेलंगाना। करंट अफेयर्स देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी जितनी भी एसोसिएट्स हैं, एफिलिएट्स हैं और जितने भी फ्रंट्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये पाया गया कि ये सारे जो हैं सीरियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, देन ग्रूसम किलिंग्स हो गया, देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को ये डिसरिगार्ड करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, और ये सारे जो काम है ये इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के लिए काफ़ी खतरा थे, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है। बेसिकली ये मुस्लिम डोमिनेटेड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन थी। UAPA के बारे में पढ़ लेते हैं। UAPA स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट जो था ये इसमें प्रोविजंस किससे रिलेटेड है, ये इफेक्टिव प्रिवेंशन को लेकर है। अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर कोई इंडिविजुअल कंडक्ट करता है या कोई एसोसिएशन कंडक्ट करती है तो ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये एक्ट जो है लेकर आया गया था। ये डील करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ। इसको अमेंड किया गया था 2004, 2008, 2013 एंड 2019 में, एंड सर्टेन प्रोविजंस इसमें ऐड की गई थी टेररिज्म से लड़ने के लिए। देन इसकी मेन प्रोविजंस क्या है कि इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के अंडर। देन अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जाकर कोई एक्ट कमिट करता है तो ऐसे एक्ट भी जो है इस एक्ट UAPA के अंडर पनिशेबल होंगे। देन एक चार्जशीट जो है फाइल की जा सकती है इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट, कि जब एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, ट्रायल चला, तो उसके 180 डेज के अंदर जो है चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। देन इन्वेस्टिगेशन जो है 90 डेज में कंप्लीट करनी पड़ती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट की जाती 90 डेज के अंडर तो एक्यूज जो होगा उसको बेल मिल जाएगी। देन अ स्पेशल कोर्ट जो है इसके अंडर बनाई जाती है जितने भी ये UAPA को लेकर ट्रायल्स चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक MOU साइन हुआ है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में। 42nd सेशन था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का, कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल में ऑन 26 सितंबर 2022, और इसी टाइम ये MOU जो है साइन किया गया। MOU जो है ये मिस्टर जुआन कार्लोस सेल्जर जो सेक्रेटरी जनरल है ICAO के, एंड मिस्टर जोशुआ विक्लिफ जो चीफ ऑफ ऑपरेशंस है इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के, इन दोनों ने ये साइन किया। MOU का एम क्या है कि सोलर एनर्जी की जो डिप्लॉयमेंट है, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस की एयरक्राफ्ट के लिए एयरपोर्ट एंड सिविल एविएशन रिलेटेड एप्लीकेशन को लेकर उसको स्केल अप किया जाएगा। देन इंडिया जो है इसने प्लेज किया कि वो नेट जीरो कार्बन गोल जो है अचीव करेगा बाय 2070। कब डिक्लेयर किया था ये, COP26 में, जो कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में। देन इंडिया ने ये भी प्लेज किया था कि वो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको इंस्टॉल करेगा, और उसमें 100 गीगावाट जो होगी आउट ऑफ 175 गीगावाट वो सोलर एनर्जी होगी बाय 2022, और एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको भी कम करेगा कि जो एमिशंस हो रही है, कार्बन एमिशंस हो रही हैं, बाय 33-35% बाय 2030, और सोलर एनर्जी जो है उसकी आउटरीच बढ़ाई जाएगी, अनकनेक्टेड विलेजेस एंड कम्युनिटीज जो हैं वहाँ पे भी सोलर एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी। देन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया में, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये लॉन्च की गई थी 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, गुरुग्राम में, दैट इज इन हरियाणा। पहले क्या था कि जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेट, दैट इज 0 डिग्री, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो पहले क्या थी प्रोविजन की इन ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज हैं सिर्फ वही मेंबर बन सकती हैं, और यहाँ पे एक प्रोविजन क्या थी कि ऐसी कंट्रीज जो 300 और मोर डेज जो हैं जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती है 300 से ज्यादा दिन, सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती थी या पार्ट बन सकती थी। बट अब क्या है कि कोई भी कंट्री जो है इसका मेंबर बन सकती है, और किसी भी तरह की ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को लेकर या ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 121 सिग्नेटरीज एट प्रेजेंट, सिग्नेटरी कंट्रीज, 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसमें काफी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड हैं। देन आईएसए वर्क करता है फॉर एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी को इफेक्टिवली कंज्यूम किया जा सके, और जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है एनर्जी को लेकर, जैसे कोल हो गया, ऐसी डिपेंडेंस को कम किया जा सके। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के, वो प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज को, इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। और इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इनको प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया गया है सऊदी अरेबिया का। ये ऑलरेडी डीफैक्टो रूलर थे, डीफैक्टो का मतलब होता है रियल रूलर, या जिसके पास क्या हो, रियल पावर्स हो। और दूसरा क्या होता है डीजियोर का मतलब क्या है कि नॉमिनल हेड। जैसे इंडिया के केस में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, वो डीफैक्टो रूलर है जिसके पास रियल पावर्स हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, उसके पास डीजियोर पावर्स हैं, दैट इज नॉमिनल हेड है वो। देन डीफैक्टो रूलर था, और सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, और इस अपॉइंटमेंट से क्या हो जाएगा, एक फॉर्मलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ ये फॉर्मली जो है सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। देन इनको MBS के नाम से भी जाना जाता है, इससे पहले ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, और इनके अंडर था डिफेंस मिनिस्ट्री। देन ये इनकी जगह जो डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा, अब इनके ब्रदर आ जाएंगे खालिद बिन सलमान, जो उससे पहले डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे। देन अप्रैल 2016 में प्रिंस मोहम्मद ने इंट्रोड्यूस किया था विजन 2030, जो सऊदी अरेबिया का विजन है फ्यूचर के लिए। इसका एम क्या है कि सऊदी अरेबिया को हार्ट ऑफ द अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड बनाना, इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बनाना, और एक ऐसा हब बनाना कि जो तीन कॉन्टिनेंट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको देखेंगे अभी हम मैप से। देन इनिशिएटिव क्या है कि डाइवर्सिफाई करना और प्राइवेटाइज करना इकोनॉमी को, और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना। देखो एक हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है वेनेजुएला का, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उस कंट्री की ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, बट जब उसके ऑयल एक्सपोर्ट कम हो गए तो उसकी इकोनॉमी जो थी वो थ्रैश हो चुकी थी, काफ़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन वहाँ पे बन चुकी थी। तो अभी कंट्रीज क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें और एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ना बढ़ें। इसीलिए सऊदी अरेबिया जो है वो भी अपनी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर कम कर रहा है। देन बाय 2030 इनिशिएटिव जो है ये ई गवर्नेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा। सऊदी अरेबिया की लोकेशन देख लेते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री है ये, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज UAE, ओमान एंड यमन। देन ये टच करता है रेड सी को एंड गल्फ ऑफ एडन को, अरेबियन सी को एंड पर्शियन गल्फ को, तो ये आपने याद रखना है। देन रेड सी जो है ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन को बाय बाबल मंडीब स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, एक ऐसी छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो, तो स्ट्रेट का नाम क्या, बाबल मंडीब स्ट्रेट, जो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है एंड रेड सी एंड इंडियन ओशियन को कनेक्ट करती है, तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है अल दहना डेजर्ट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वन वीक वन लैब इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं CSIR के। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का, कि शोकेस करना टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, कि जो भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स CSIR ने ली हैं और जो भी इनोवेशंस इन्होंने की हैं इन ईच ऑफ 37 CSIR लेबोरेटरीज, ठीक है। CSIR जो है इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1942 को एज एन ऑटोनोमस बॉडी, और पेरेंट इंस्टीट्यूशन है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये ऑपरेट करता है थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है, कौन कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता है, जैसे कि लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट हो गया, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फूड, ओशियन साइंसेज, मेटलर्जी, पेट्रोलियम, केमिकल्स, माइनिंग, लेदर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। प्रेसिडेंट कौन होगा CSIR का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है।
देन वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है CSIR का, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा CSIR का। नेक्स्ट देखते हैं एवी गैस फ्यूल। अभी एक इवेंट होस्ट किया था इंडियन ऑयल एंड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन ने, देन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है एफ गैस 100 LL जो फ्यूल है। ये स्पेशल एविएशन फ्यूल है जो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और UAVs दैट इज ड्रोन्स के लिए यूज होगा। ये हायर ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है, इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है एंड सुपीरियर क्वालिटी परफॉर्मेंस है इसकी इंपोर्टेड ग्रेड से अगर कंपेयर करें। देन इसी के साथ इंडियन ऑयल जो है ये फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई है जो प्रोड्यूस करेगी और मार्केट करेगी 100 LL एफ गैस फ्यूल। देन करंटली इंडिया जो है ये फ्यूल इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, यूरोपियन कंट्री से। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर भी इंडिया बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है कि जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एविएशन फ्यूल की, तो उस कॉस्ट कटिंग को लेकर भी जो इम्पोर्ट है हमारा उसको कम किया जाएगा और इंडिजिनसली जो है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, किसको लेकर, हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी वर्थ है $136.6 million और ये फाइनेंसिंग कौन प्रोवाइड करेगा इसका, इसके लिए इंडियाज एक्जिम बैंक, एक्जिम स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। देन मालदीव्स जो है मालदीव्स गवर्नमेंट 2.46 किलोमीटर का रनवे इसमें कंस्ट्रक्ट करेगी, इसके अलावा एक टर्मिनल कंस्ट्रक्ट करेगी जो सर्व कर पाएगा अराउंड 1.3 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द ईयर 2024। नेक्स्ट देखते हैं चीता मित्रास। अभी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतास को इंट्रोड्यूस किया है। चीतास जो है कहाँ से लेकर आए गए थे, नामीबिया से, ठीक है। और इनके लिए अब एक टीम बनाई गई है चीता मित्रास की और चीता फ्रेंड्स। इनका काम क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व करवाया ताकि ये चीता मित्रास जो है लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलजुल सकें और लोगों को अवेयर करवाएं, फेमिलियराइज करवाएं बिग कैट्स को लेकर, कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों के बीच में चीतास को लेकर, ताकि पोटेंशियल जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको रोका जा सके। चीतास जो है ये कूनो में लेकर आए गए हैं, से क्या है कि नियर बाई विलेजेस जो हैं उनको वो अनअवेयर हैं कि इसकी वजह से क्या क्या वहाँ पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं नए एनिमल के इंट्रोडक्शन से, तो इसलिए इनको अवेयर किया जा रहा है जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि कैसे वो इस कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। देन लोकल पॉपुलेशन जो है उसको ये समझाना चीता के बारे में, चीता के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि अगर पोटेंशियल कभी अटैक होता है चीतास का ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर तो उसको कैसे हैंडल करना है। देन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो हैं इन्होंने 400 चीता मित्रास को ट्रेन किया है फ्रॉम 51 विलेजेस। इसमें कौन कौन इंक्लूड हैं, स्कूल टीचर्स हैं, विलेज हेडमैन हैं, पटवारीस हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे एंड ये सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो दोनों पोस्ट जो हैं ये संभालेंगे। देन अपने 40 ईयर्स के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सेवरल कमांड्स जो हैं संभाली हैं, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट संभाली हैं, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इनको काउंटर इंसर्जेंसी और ऑपरेशंस में इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनका बर्थ हुआ था 1961 में कोलकाता में और गोरखा राइफल्स में इनको कमीशन किया गया था 1981 में। 40 ईयर्स के अराउंड इनका करियर एक्सपीरियंस है। देन सेवरल कमांड्स इन्होंने संभाली हैं। ये रिटायर्ड हुए एज एन ईस्टर्न आर्मी कमांडर इन मई 2021। इन्होंने UN मिशन जो है एंगोला के लिए वहाँ पे भी सर्व किया है। देन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक मैटर्स में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया अपनी रिटायरमेंट के बाद। और इंडिया के सेकंड CDS होंगे ये आफ्टर जनरल बिपिन रावत, जिनका थोड़े टाइम पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी, जनरल बिपिन रावत की, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो। CDS ऑफिसर के बारे में पढ़ लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है 4-star जनरल ऑफिसर होता है जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्टर को, और जितनी भी ट्राइलेटरल सर्विसेज हैं जैसे कि आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ऐसे मैटर्स में भी डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं ये। देन CDS जो है परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। और इसके और कौन मेंबर होते हैं इस कमेटी के, जितने भी 3 हेड्स हैं तीनों फोर्सेज के, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देन इनका कोर फंक्शन क्या रहता है कि ग्रेटर ऑपरेशनल सिनर्जी जो है बनाकर रखना तीनों सर्विसेज के बीच में, और इंटर सर्विस जो फ्रिक्शन है कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी के बीच में कोई फ्रिक्शन ना आ जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना। देन ये न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होंगे द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और फर्स्ट CDS एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कौन थे, जनरल बिपिन रावत।
सो ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.